नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर दिया। इस सीरीज में शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया ने गजब का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा निराश भी की। अब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ओडीआई सीरीज में किसने सबसे ज्यादा निराश किया उस पर बात की। दरअसल वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या के बल्ले से योगदान न देने को लेकर उन्होंने पांड्या की आलोचना की, तो वहीं मनीष पांडे के 3 मैचों में रन न बना पाने का उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस हुआ। बता दें पांडे ने 3 मैचों में 26, 37 और 11 रन बनाए। सहवाग का मानना है कि उन पर बहुत अधिक प्रेशर था। उनका मानना है कि श्रीलंका दौरे पर पांडे के खराब खेल की वजह से अब उन्हें वनडे टीम से विदाई दी जा सकती है। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक बस के साथ बातचीत में कहा, मनीष पांडे और हार्दिक पांडे के पास अच्छा मौका था, लेकिन दोनों ने 15-20 रन ही बनाए। मैं बेहद निराश हूँ। इस 3 मैचों की सीरीज में अगर सबसे ज्यादा किसी को मौका मिला तो वो मनीष पांडे थे। उन्हें 3 ही मैच खेलने का मौका मिला और 3 मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी आई और 3 ही वक्त उन्हें तेजी से रन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम रहे। मुझे मनीष पांडे ने काफी निराश किया। हो सकता है अब मनीष पांडे को वनडे टीम में जगह नहीं मिले, अगर मिलेगी तो लंबा इंतजार करना होगा। आपको बता दें टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। वनडे सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया T20 सीरीज को भी अपने नाम करना चाहेगी, तो वहीं आखिरी वनडे जीतने में कामयाब हुई श्रीलंकाई टीम अपना वही मोमेंटम जारी रखना चाहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।